दो दिनों से यहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर में यूथ फॉर नेशन की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक एवं युवा संवाद का आयोजन किट्स विश्वविद्यालय में किया गया, जिसमें देश भर के लगभग 18 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए। उन्होंने पूरे वर्ष भर की कार्य योजना और विभिन्न प्रकार के एजेंडे पर कार्य किया। यहाँ पर जो मंथन चिंतन हुआ, उसके आधार पर संगठन अपनी रणनीति को अगले एक वर्ष तक पूरे देश में किस प्रकार से युवाओं के हित के लिए काम करना है, उस पर हमारी विभिन्न सत्रों के अंदर बातचीत हुई। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सूर्य नारायण जी पात्रा भी यहाँ उपस्थित रहे, विभिन्न विश्वविद्यालयों के वीसी रहे और अनेक यंग एंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ सबके बीच में उपस्थित रहकर उन्होंने अपने अपने विषय के बारे में जानकारी दी। हमारा ये मानना है कि भारत एक युवा देश है। इस देश की आबादी का 62% युवा है और वह युवा ही भारत का वर्तमान है, भारत का भविष्य है। यदि युवा सुधरेगा, यदि युवा सशक्त होगा, तो इस भारत को भी सशक्त बनने से, विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आगामी समय में हम लोग यहाँ उड़ीसा की टीम का भी एक बेहद विस्तार करेंगे और संपूर्ण देश भर में अभी जो हमारे 4 लाख सदस्य हैं उनको 10 लाख सदस्य तक लेकर जाएंगे। जुलाई माह में जो पुरी में मेले का आयोजन होता है, वहाँ पर भी इस बार यूथ फॉर नेशन की हेल्प डेस्क रहेगी, जो देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की मदद करेगी। मु यूथ फॉर नेशन रो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। आमर एठी ओडिशा रे प्रथम थर पई यूथ फॉर नेशन रे नेशनल सेमिनार 2 दिन पई हेतला, किट्र कैंपस रे हेतला, किट यूनिवर्सिटी रो, जो थे कि बेस 14 और 15 तारीख रे हे जाइछे। जो थे बेसी मुद्दा थिला एया कि यूथ लीडरशिप, विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण और युवा मान को केमती लीडरशिप सिखाजब, से ही विषय आम बेसिकली मुद्दा थिला, जो थे कि ऑनरेबल स्पीकर आमर डॉक्टर सूर्य नारायण पत्र चीफ गेस्ट हिसाब से करेंगे। यूथ फॉर नेशन रे बेसिकली आज के दिन में 4 लाख मेम्बर अच्छा, वर्ल्ड विश्व सारा 41 देश में प्रेजेन्स अच्छी। तो आगामी 2 वर्ष भितर यूथ फॉर नेशन लक्ष्य रखी 10 लाख मेम्बर को जोड़ब, कारण यूथ फॉर नेशन रो बेसिकली मुद्दा हूँ यूथ लीडरशिप, युवा को सशक्तिकरण करवा, लीडरशिप करवा, केमी सेशर नेतृत्व नहीं पारे से प्रशिक्षण करवा। आई 2 जन सेमिनार में 2टा युवा संसद भी लंच है, जो थे मेजर मुद्दा था कि यूथ मैंने केमी का सका लीडरशिप नहीं पारे, देश चल पारे, पॉलिटिक्स आगे आसपारे, उद्योग क्षेत्र आगे आसपार। तो यूथ फॉर नेशन गोटे बहुत बड़ भाई ग्रुप अच्छे, जो मैंने इंटेलेक्चुअल्स अच्छा, पॉलिटिशियंस अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स अच्छा, जो मैंने आगामी दिन में यही युव नेता मानक, जो युवा पीढ़ी अच्छा, देशर गठन में गोटे बहुत बड़ साय करने आम 2 दिन सेमिनार थिला। बहुत उद्योगी वाइस चांसलर समस्ते ये निज निजर मत रखी थे। आगामी दिन में आमर बहुत बड़ चिंताधारा अच्छी, एथेर बहुत जन युवा को आम सामिल करें।